हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज फूड। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नींबू वाली मिर्च, जो काफी लंबे समय तक चलने वाली है। मिर्ची खत्म हो जाएंगी लेकिन खराब नहीं होंगी। बस एक स्पेशल सा सीक्रेट है, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हुई है हरी मिर्ची और इनको अच्छे से धो लिया है और जो इनका पानी है वो भी पोंछ लिया है। इस बात का ध्यान रखना है कि मिर्ची पर जरा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब मिर्चियों को जिस भी शेप में कट करना चाहें उसमें कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा कट कर रही हूँ। ऐसे आप चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं या इनको लंबाई में भी कट कर सकते हैं। ऐसे ही सारी मिर्चियां कट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ तिरछी और कुछ गोल मिर्ची काट ली हैं। तो चलिए अब इनका अचार बनाना शुरू करते हैं नींबू वाला। तो मैंने दोनों तरह की मिर्ची जो मैंने काटी थी एक बाउल में निकाल ली हैं। और अब हमें चाहिए एक इस तरीके का बर्तन, डब्बा। मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया हुआ है, आप चाहें तो कांच का जार भी ले सकते हैं। मैं कांच का जार यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि घर में बच्चे हैं, फोड़ देते हैं बहुत जल्दी, कांच वाँच लग जाते हैं तो खून निकल जाता है, इसलिए मैं सिर्फ प्लास्टिक का ही जार यूज़ कर रही हूँ। और डब्बा एकदम सूखा रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और जो ये मिर्ची है ये वेट में एक पाव थी यानी कि 250 ग्राम। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि जो नींबू का फ्लेवर है वो खट्टा होता है और वो नमक को दबा देता है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डालेंगे। अब इनको अच्छे से कर देंगे मिक्स। नमक हो चुका है मिक्स, अब इनको डब्बे में भर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे चार नींबू लिए हुए हैं 250 ग्राम मिर्ची के लिए। चार नींबू को दो भागों में कट कर लिया है। अब ये सारा नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे लेकिन बीज नहीं डालने हैं। अब इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू का रस निचोड़ने के लिए आप इस तरीके की मशीन का यूज कर सकते हैं या फिर छलनी लगाकर, जो चाय छलनी होती है उसको ऊपर रख दीजिए, उसमें निचोड़ कर डाल सकते हैं। आप नींबू का रस इस तरीके से छलनी रखकर डाल सकते हैं, उससे बीज हैं जो छलनी में ही रह जाएंगे, सिर्फ नींबू का रस ही मिर्ची में जाएगा। तो सारे नींबू के रस हमने अच्छे से इसमें निकाल दिया है, निचोड़ दिया है। और जो नींबू के छिलके हैं ना, इनको भी फेंकना नहीं है, मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ये देखिए जो हमने चार नींबू काटे हैं उनके छिलके इसमें रखे हुए हैं, इनका भी अचार डालेंगे। कैसे डालना है बस मेरे चैनल पर बने रहिए। छिलके का अचार भी बहुत अच्छा डलता है, नींबू के छिलके बहुत ही काम वाली चीज़ है। तो ये इसमें डाल दिया नींबू का रस, अब इनको इस तरीके से अच्छे से मिला देना है नींबू के रस को, और ढक्कन को लगा देंगे स्टोर करने के लिए। तो ढक्कन हमने लगा दिया है, नींबू का रस अच्छे से इस तरीके से मिला देंगे, सभी मिर्ची पर अच्छे से लग जाना चाहिए। बस अब इसमें कुछ भी और ऐड हमें नहीं करना है, सिर्फ इसको स्टोर करने के लिए। एक बात का ध्यान रखें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब भी आप मिर्ची लें सूखी चम्मच से लें, इससे ये काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएंगी। और सुबह तक, अब मैंने इसको रात में डाल रही हूँ, 10 से 12 घंटे के बाद ये पानी छोड़ देंगी। तो पानी को फेंकना नहीं है, पानी को इसी में रहने देना है। तो है ना बहुत ही सिंपल नींबू वाली मिर्ची बनाना। अब इनको ऐसे ही ढक्कन लगाकर रात भर के लिए छोड़ देंगे, या अगर आप दिन में बना रहे हैं तो 6 से 7 घंटे में आराम से ये तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर है, और सुबह तक इनका जो कलर है वो बदल जाएगा, हल्का हल्का पीला हो जाएगा। तो अब इसको ढक्कन लगाकर रख देते हैं, सुबह देखते हैं ये कैसा कलर आता है। 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए जो मिर्ची है उसका कलर भी चेंज हो गया है, इसका कलर हल्का हल्का सा
पीला पड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने इनको रात भर के लिए छोड़ दिया था, लेकिन 7 से 8 घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाते हैं। अब ये आराम से इनको खा सकते हैं, इनको बाहर रख कर ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनको बाहर ही रखेंगे, बाहर भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, ना ही इसमें कोई और मसाला डालने की ज़रूरत है। तो सिरके वाली मिर्च खाने के लिए एकदम तैयार है। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है इनमें, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, इसमें खट्टी खट्टी खुशबू आ रही है। तो जब भी आप मन करें इनको सूखी चम्मच से निकालें और फिर से ढक्कन लगाकर रख दें। तो ये थी हमारी नींबू के अचार की रेसिपी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, ट्राई करके भी ज़रूर देखना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करें। ओके, टाटा एंड बाय बाय। वही घिसी पिटी और पुराने तरीके वाली लौकी की सब्जी खा कर बोर हो चुके हैं तो इस नए तरीके से लौकी की रेसिपी भी बनाकर देखें। इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बाय बाय।